छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर बयानों के बाढ़ चलाने से बाज नहीं आ रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो कद्दावर नेताओं में एक बार फिर सियासी घमासान तेज है। तो इस बार जंग उस बयान को लेकर है जिसमें सीएम बघेल ने बीते दिनों बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा चाहती है कि सारे भ्रष्टाचारी उसके साथ रहें। और हाल ही में अब इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने उनको आड़े हाथ लिया और पीएम मोदी के जीरो टॉलरेंस के बयान पर सीएम बघेल के बयान को अजीबोगरीब बता दिया। कहा कि पीएम मोदी का बयान भ्रष्टाचारियों के लिए था, इसमें आप क्यों घबरा रहे हैं? और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कल प्रेस में भूपेश जी ने बयान दिया और उनकी आपत्ति बड़ा अजीबोगरीब आपत्ति है। प्रधानमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस पर उन्होंने बात कही कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभा में उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं। और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दोनों सीएम ने सियासी अखाड़े में एक दूसरे की घेराबंदी की हो, और इससे पहले भी कई और मुद्दे जैसे धर्मांतरण, धान खरीदी और कर्ज जैसे तमाम मुद्दों पर सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए नजर आ चुके हैं। गौरतलब है कि इन दोनों नेताओं का बयान इस सियासी जंग का सबब बना हुआ है, और जिस तरह सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, इससे तो ये तय है कि ये जुबानी जंग अभी और आगे तक जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।